बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ ये तो मेरा काम ही है, धन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। सनकी शिकारी से शर्त लगाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में। डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। शुक्रिया भीम, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर संकी शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल संकी शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। आखिर शिकारी शिकार हो ही गया, बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा, मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों हमें जल्दी कुछ करके भालू को संकी के वश से छुड़ाना होगा। ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची, मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी पू पिकी पान कालिया को मिलेंगे हाथी के साथ। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज, चक्कू का होगा कछुए का कवच, घोड़े के पंख, के होंगे बिल्ली के पंजे, और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल?
ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। बच्चे को खिलाने के लिए तुम ये ले सकती हो। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह,
फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय पिताजी। कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो पार्क चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है, बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने पार्क से भी बेहतर है। राजकुमारी जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। नाटक करके पीछा करने को कहा। चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। ढोलू भोलू, हमें पूरी परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में। मौसी, आप
आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। देखा नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में बॉल कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। तुम्हारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती।
मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया पर मैं करूँगा क्या? हा? हम इस तरह लड़ेंगे तो हार जाएंगे मंगल सिंह। सही कहा, हमें एक साथ आक्रमण करना चाहिए। मेरी शैतानी बुद्धि और तुम्हारी ताकत को एक होना पड़ेगा। तो चलो मिलकर धुलाई करें। मेरे दोस्तों को हमारी जरूरत है। चलो मंगल सिंह, दिखा दो अपना जलवा। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग एक मिनट के लिए दोस्त बन ही गए हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों एक हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या एक हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है।
इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या किया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी! ये रहा इंद्र वर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे।